नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव सभी का एक बार फिर अजीत यादव ट्रिकी मैथ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस हमारे वीडियो का जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रश्न होता है हर एक परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, कम से कम 2 और 3 प्रश्न। तो उसमें का जो प्रश्न बनता है उसी प्रश्न के बारे में आज हम बात करेंगे कि उसका प्रश्न कैसे बनता है और किस प्रकार से आपको परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपको इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं तो आपका सारा सस्पेंशन और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और उसे कैसे हल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, देखा जाए कि किस प्रकार से उसको हल किया जाएगा और किस प्रकार से प्रश्न बनता है। आपको हमने वीडियो छोटा होने के लिए 4 फार्मूला लिखा हूँ। पहली संख्या बराबर आप देख रहे हैं लेस है गुणे मस है बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर आप देख रहे हैं लेस है गुणे मस है बटे पहली संख्या, और मैं से बराबर आप देख रहे हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लेस है, और अगला फार्मूला जो देख रहे हैं लेस है बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मैं से। तो ये चारों फार्मूले से अगर उनका 3 चीज़ दिया रहेगा, लेस से दिया रहेगा, मैं से दिया रहेगा और एक पहली संख्या दिया रहेगा, तो दूसरी संख्या पूछेगा तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर पहली संख्या बराबर 80 है, दूसरी संख्या बराबर 60 है, अगर उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 240 है और महत्तम समापवर्तक 20 है। तो इसमें से आपको पहली संख्या अगर पूछी जाए, पहली संख्या पूछी जाए मतलब ये पहली संख्या न दिया जाए आपको और कह दिया जाए कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 240 है, महत्तम समापवर्तक 20 है, तो अगर उसकी दूसरी संख्या 60 है तो पहली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या निकालने के लिए देख रहे हैं आपको लेस है गुणे मस है बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या अगर पूछी जाए उसमें से पहली संख्या दे करके, तब आपको दूसरी संख्या और लेस है गुणे मस है बटे पहली संख्या। मतलब कि जो जो चीज़ें जिसमें से 3 चीज़ें आपको दिया रहेगा, 1 चीज़ नहीं दिया रहेगा, तो उसमें से आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं इन चारों फार्मूलों को फार्मूले के अनुसार। बड़े ही आसानी से आप इन चारों फार्मूले के तरीके से आप अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। तो ये चारों फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद आप इसको याद कर लीजिए, याद करने के बाद इनसे जो 3 चीज़ दिया रहेगा चौथा आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार। आगे जो प्रश्न बनता है दोस्तों उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो आगे एलसीएम और एचसीएफ से परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, वो इस प्रकार से पूछा जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 4:6 है और उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 20 है, अगर उस संख्या का महत्तम समापवर्तक 20 बोला जाए और उन संख्याओं का जो अनुपात दिया है 4:6 दिया है, तो उस संख्याओं को ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलता है तो आप यही महत्तम समापवर्तक उठाइए और इन संख्याओं के अनुपात में गुणा कर दीजिए। मतलब कि अगर इसमें 4 में 20 का गुणा करते हैं, 40 दूना आपका 20 चौकी आपका हो जाएगा 80, और इसमें अनुपात करते इसमें गुणा करते हैं अगर अगर आप इसका अनुपात 4:4 अगर आपको दे दिया जाए 3 है सॉरी इसका अनुपात अगर करते हैं इसका अनुपात 3 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करते हैं, अगर इसका अनुपात दे दिया जाए 4:3 है तो आप इस प्रकार से पहली संख्या निकालते हैं, दूसरी अनुपात इसका 3 है तो 3 × 20 यानी कि 20/7, मतलब पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये। किसी भी संख्या का अगर अनुपात दिया है तो आप उसका अगर महत्तम समापवर्तक दिया है उसी महत्तम समापवर्तक को उठाइए आप, उसके अनुपात में गुणा कर दीजिए, उसके अनुपात में गुणा कर देंगे तो वो संख्याएं निकल जाती हैं। ये तो रहा अगर महत्तम समापवर्तक दिया है। अगर आपको दूसरा प्रश्न यहाँ से बना दिया जाए कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उन संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है यानी कि लेस से बराबर 240 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए।
इस प्रकार से अगर प्रश्न बनता है आपका, तो उनका जो अनुपात दिया है उनका आपस में गुणा कर दीजिए, उनका गुणा कर देंगे 4 3 12 हो जाएगा। वो जो 12 आता है, अगर उस 12 से आप इसके लघुत्तम समापवर्तक में भाग दे दें, इसका महत्तम समापवर्तक मिल जाता है। इसको भाग देते हैं तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये महत्तम समापवर्तक है। अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको पता है और संख्याओं का अनुपात पता है, तो इसी 20 का इसमें गुणा करते हैं। 20 चौक 80, ये पहली संख्या, इसमें गुणा करते हैं 20 3 60, ये दूसरी संख्या। इस प्रकार से अगर संख्याओं का अनुपात दिया है और उसका एलसीएम या एचसीएफ कोई एक दिया है इसमें से, तो आप बड़े ही आसानी से उन संख्याओं को आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम दोस्तों देखेंगे कि किस प्रकार से आगे जो प्रश्न होता है वो प्रश्न कैसे बनता है, जो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है एलसीएम और एचसीएफ से। आगे आपका प्रश्न इस तरह बनता है, दो संख्याओं का योगफल 100 आपका 14 है, अगर उसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ये संख्या दिया है। प्रश्न आपका बनता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 240, महत्तम समापवर्तक 20, अगर संख्याओं का योगफल 160 है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा आपका लंबा जाता है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ से कहा जा रहा है दो संख्याओं का योगफल। पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या y, x प्लस y बराबर 114 कहा जा रहा है, और संख्याओं का लेस है और मैस दिया है, लेस है इतना दिया है, मैस है इतना दिया है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न अगर बनता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आप जानते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका x गुड़े वाई, मतलब 240 गुड़े 20, इसको अगर करते हैं 00, 4 दूना यहाँ से 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब कि x गुड़े वाई इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा 4800 होगा। अब एक फार्मूला आपको हम लिख दे रहे हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फार्मूले पर आप अगर रखते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई यानी कि 140 का वर्ग माइनस 4xy का मान आप यहाँ से रख दीजिए 4800। अब इसे कुछ सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 00 हो जाएगा, और ये 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाता है, यानी कि 19600। इसका जब यहाँ से गुणा करते हैं तो ये 00 हो जाएगा, 8 चौक 32 2 हो जाएगा, 4 चौक 16 3 19 हो जाता है, ये चीज़ ये मिल जाता है। अब इसको अगर घटा देते हैं दोस्तों, x माइनस वाई का वर्ग बराबर 19600 में से 19200 घटाते हैं तो ये आपका आ जाता है 400। और 400 का जब वर्गमूल निकाल लेते हैं, यहाँ से वर्ग हट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 0 का 1 हो जाएगा 0, और 4 का वर्गमूल 20 हो जाएगा, मानिए दोनों संख्याओं का अंतर 20 है, ये अंतर मिल गया, और दोनों संख्याओं का योगफल आपको 40 दिया है। तो दो संख्याओं का अंतर और योगफल पता रहता है तो आप समीकरण को हल करके उन संख्याओं को निकाल सकते हैं। यहाँ से x प्लस वाई बराबर पहला समीकरण से 140। अब ये देख रहे हैं आपका इसके कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 160, तो x बराबर हो जाएगा 160/2, भाग देते हैं तो 80, यानी कि x बराबर आपका 80 निकल जाए पहली संख्या। अगर दो संख्याओं का योगफल 140 है, उसमें से पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या यहाँ से आपको निकालना है y बराबर, तो y बराबर इसको 55 कर देंगे तो x तो हो जाएगा 140 माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा 140 माइनस 80, तो y बराबर हो जाएगा 60। मतलब कि x आपकी पहली संख्या और आपका y दूसरी संख्या, पहली संख्या 80 निकल गई, दूसरी संख्या आपकी 60 निकल गई। अगर संख्याओं का योगफल आपको दिया है तो आप इस प्रकार से बड़े ही आसानी से उन संख्याओं को निकाल सकते हैं।
दोस्तों दूसरा प्रश्न यहीं पर बनता है, अगर उन संख्याओं का यहाँ पर आपको योगफल दिया था तो आपने संख्याओं को इस तरह से प्राप्त किया, अगर संख्याओं का अंतर दे दिया जाए तब उसके लिए आप क्या करते हैं। अगर प्रश्न आपका देखिए इस तरह बनता है, यदि दो संख्याओं का अंतर 20 है और उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 240 है और उसका महत्तम समापवर्तक 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका यहाँ से कहा जा रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर, मतलब कि पहली संख्या मान लेंगे x, दूसरी संख्या y, इन संख्याओं का अंतर जो है 20 है, अगर उसका LCM दिया है आपको 240 और HCF दिया है 20 आपका, तो उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल उसके लेस है और मैसा के गुणनफल के बराबर होता है, तो x y बराबर हो जाएगा 48। सौ अभी किए थे, अब इसका अगर अंतर दिया है तो इसका योगफल पहले अब निकालेंगे, योगफल वाला, वहाँ पर योगफल दिया था तो इन दोनों संख्याओं का अंतर वाला फार्मूला हम करके निकाले थे। इसको लगाइए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख रहे हैं इसका जब वर्ग हो जाएगा आपका यहाँ प्लस हो जाएगा 4xy, ये फार्मूला थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा ये फार्मूला, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर x माइनस वाई यहाँ 20 रख दीजिए, 20 का वर्ग प्लस 4 गुड़ी यहाँ पर 48 सौ आप रख दीजिए। इसको रखने के बाद अगर इसको आप आगे बढ़ाते हैं तो x प्लस वाई का वर्ग इसका करेंगे 2 × 4 = 0 हो जाएगा, यहाँ से आप गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 32 का 2, 4 × 16 और 3 आपका 19। इसको अगर जोड़ते हैं तो 19000 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 0 और आपका 6, ये आपका 19600 हो जाएगा आपका 19600 x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा तो इसका वर्गमूल आपका ये 0 हो जाएगा, 196 का जो वर्गमूल होता है ये आपका होता है 14, यानी कि x प्लस वाई बराबर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट अगर बनाता है, अगर इसको दो कर लें इसको क्वेश्चन इस क्वेश्चन को और इसको फर्स्ट कर लें तो x माइनस वाई बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 मिला है। इन दोनों समीकरण को अगर हल करते हैं ये कट जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो 160 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 160 में अगर दो का भाग करते हैं तो 80, मतलब कि x बराबर 80 तो पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या अगर x बराबर ये है तो y बराबर हो जाएगा आपका दो संख्याओं का, आप देख रहे हैं योगफल का कितना निकला है यहाँ से 140 निकला है, 140 माइनस x तो y बराबर हो जाएगा 140 माइनस 80, तो y बराबर निकल जाएगा आपका 60, मतलब कि पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, तो बड़े ही आसानी से इस प्रकार से आप इस फार्मूले के अनुसार निकाल सकते हैं। और इस प्रकार का दोस्तों हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि अगर इस वीडियो को आप देख करके किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो जरूर से जरूर आपको 2 या 3 प्रश्न इस वीडियो से काम आपका हो जाएगा, जरूर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, नए आए हुए हैं हमारे चैनल पर, और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक जरूर से जरूर भेजिए जिससे कि वो अपना पढ़ाई तैयारी अच्छे से कर सकें इस वीडियो के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।